supposed to feel. हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज अपने पास आ चुकी है 2020 की लेटेस्ट मॉडल यमहा R15S रेसिंग ब्लू कलर, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल यमहा R15S में आपको क्या क्या अपडेट मिलता है, क्या लेटेस्ट प्राइस है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक में 2023 में आपको क्या क्या अपडेट मिलती है। तो गाइस, सबसे पहला जो आपको अपडेट मिलता है इसके फ्यूल टैंक में, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर E20 की बैजिंग मिली है। मतलब यह बाइक भी एथनॉल कंपैटिबल हो चुकी है, जो E20 फ्यूल से भी चलेगी और नॉर्मल जो पेट्रोल वाली उससे भी आप राइड कर सकते हैं। मतलब यह बाइक इको फ्रेंडली हो चुकी है। और नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता है इस बाइक में, OBD2 सेंसर इसमें दिया गया है। तो यही सारी अपडेट आपको मिलती है इस बाइक में। बाकी लुक और डिज़ाइन पहले वाले आपको मिलती है, इसमें आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, ये हो गया इसके अपडेट की बात। चलिए बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो विंडशील्ड आपको मिलता है, इसमें ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड दिया गया है और मिरर आपको कुछ इधर से आपको इसकी मिरर मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे R15S की आपके यहाँ पे बैजिंग जाती है, जो R15 यहाँ पे लिखा हुआ रेसिंग ब्लू कलर में यहाँ पे दिया गया है। अब बात करेंगे इसके हेडलाइट के बारे में। तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है कुछ इस तरीके का दिया गया है। और LED डायल्स आपको यहाँ पे लगी मिलती है और बीच में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल रही है। अब बात करें इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो गाइस, फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन इसमें दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको इस बाइक में लगी मिलती है। चलिए गाइस, अब बात करें इस बाइक के फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, 282mm का यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगा मिलता है, ABS का चैन दिया गया है। और यहाँ पर जो ब्रेक कैलिपर आपको मिलती है, बाइब्रेक का इसमें ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज लगी मिलती है, 17 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है, जिस पर आप देखेंगे तो आपको जो इसमें टायर लगी मिलती है 100x80 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है इस बाइक में, जिसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलती है, इस तरह से आपको इसमें शानदार इसमें ग्रिपिंग प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपको फ्रंट सस्पेंशन और ब्रेकिंग लगी मिलती है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको रियर में लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन फ्रंट और रियर दोनों साइड में इसमें ऑफर किया गया है। जो राइडिंग कम्फर्ट है ना, आपको काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करें इस बाइक के रियर ब्रेकिंग के बारे में। तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है, 220mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, ABS का चैन आपको मिल रहा है। और रियर व्हील साइज की बात करें तो गाइस, रियर में आपको जो व्हील साइज मिलती है, 17 इंचेस का आपको व्हील साइज में आती है। अब बात करें रियर टायर के बारे में। तो रियर में आपको जो टायर लगी मिलती है, फ्रंट के बच्चे इसमें थोड़ा वाइडर टायर दिया गया है, जो कि आपको मिलता है 140x70 R17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर रियर में लगी मिलती है, जिसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे होंगे, शानदार इसमें आपको ग्रिपिंग मिल जाती है। तो जो रोड प्रेजेंस है, आपको काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। और अलॉय व्हील का कलर आपको जो मिलता है फ्रंट और रियर दोनों साइड में, इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो एग्जास्ट मिलता है, कुछ इस तरीके का इसमें एग्जास्ट दिया गया है। ऊपर आपको यहाँ पर सेलो फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है। और जो SSS लगी मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें SSS दिया गया है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है, कुछ इससे निकल जाती है। तो इसके फेयरिंग से आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे VVA वेरिएबल वॉल वेक्चुएशन की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। और यहाँ पे आप नीचे साइड में देखेंगे इसके फेयरिंग्स में, तो आपको R15S की बैजिंग मिलती है, Version 3 की आपके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर यमहा की आपको बैजिंग मिल जाती है। और जो इसमें आपको इंजन मिलती है, 155cc का इसमें इंजन लगी मिलती है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है, 155cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है, 18.1 BHP की पावर जनरेट करती है, एट 10,000 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, 14.2 Nm का आपको टॉर्क मिलती है, एट 7,500 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। तो काफ़ी पावरफुल आपको इसमें इंजन लग मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर यमहा की बैजिंग मिल जाती है इसके इंजन पे, इस तरह से आपको इसका ATIC मिलती है। और गाइस, इसके फ्यूल टैंक की तरफ आए तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है, काफ़ी मस्कुलर इसमें फ्यूल टैंक लगी मिलती है, जो कि आपको मिलती है 11 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है इस बाइक में। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका टैंक प्रोफाइल मिल जाता है। E20 की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से फ्यूल फिलिंग लीड दिया गया है। यमहा की आपको बैजिंग मिलती है, दोनों साइड में दिया गया है। और यहाँ पर
R15 ES की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। और हैंडल बार के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो हैंडल बार लगे मिलते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है। और स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड बार पे आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड पासिंग लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच दिया गया है। राइट हैंड बार पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे इंजन की स्विच और पावर स्टार्ट का आपको स्विच मिल जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो डिजिटल मीटर है इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेशन, डिजिटल टैकोमीटर, किलोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। बट इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स इसमें नहीं मिलती है। जैसा कि R15 और वर्जन लेंगे तो उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स मिलती है, लेकिन R15 ES में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स में नहीं दिया गया है। और यहाँ पर ABS का इंडिकेशन आपको मिल जाता है, यहाँ की बैजी मिलती है, यहाँ पर 2 बटन्स मिलता है जिससे आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो गाइस जैसे आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसका मीटर कंसोल मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस आपको इस बाइक का मीटर कंसोल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल जाती है। तो लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे इसके फेयरिंग्स पे तो आपको यहाँ पे VBA वेरिएबल वॉल एक्चुएशन की आपको बैजिंग मिल जाती है, ABS की आपको ब्रांडिंग मिलती है और R15 ES की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। साइड स्टेयरिंग इंजन कट आपका आपको फीचर मिलती है और इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगी मिलती है 6-स्पीड गियर बॉक्स इसमें दिया गया है। और इस तरह से आपके यहाँ पे जो एसेसरीज लगी मिलती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें एसेसरीज ऑफर किया है यमहा ने, जो कि आपको मिलता है मेटलिक का दिया गया है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो R15 ES में आपको जो सीट मिलती है सिंगल सीट इसमें दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसके सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 850 mm का सीट हाइट दिया गया है। और कुशनिंग की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो कुशनिंग मिलती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें कुशनिंग प्रोवाइड किया गया है, जो राइडर सीट है और पिलियन सीट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राइडर सीट है आपको थोड़ा सा वाइडर मिलती है और जो पिलियन सीट है थोड़ा सा इसमें नैरो दिया गया है इस तरह से। तो सिटिंग कंफर्ट आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी इस बाइक में। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। जो टेललाइट आपको मिलती है LED टेललाइट इसमें दिया गया है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी स्लीक इसकी डिजाइनिंग जाती है। और जो टर्न इंडिकेटर आपको इसमें लगा मिलता है 12 वाट के हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको फ्रंट और रियर दोनों साइड में मिल जाती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इस बाइक का जो कार वेट आपको मिलता है 142 kg का इसका वेट दिया गया है। सीट हाइट जैसा कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आपको जो इसमें सीट हाइट मिलती है 850 mm का सीट हाइट दिया गया है। और इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है 170 mm का इसमें ग्राउंड केस दिया गया है। ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलता है 1990 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। ओवरऑल हाइट की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल हाइट मिलती है 1135 mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1325 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। अब बात करें इसके माइलेज के बारे में तो यमहा R15 ES में आपको जो माइलेज मिलेगी नियर अबाउट 40-45 kmph की इसमें माइलेज मिल जाएगी। सो गाइस ये रहा यमहा R15 ES 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू जिसमें हमने आपको बता दिया क्या क्या आपको अपडेट मिलता है, क्या लेटेस्ट प्राइस है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये बाइक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।